यहाँ पे उपस्थित गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं पंक्ति पलक कक्षा 4 की छात्री, आज मैं पेश करने जा रही हूँ भगत की भूमिका। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजेगा दिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देगी ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सिर्फ आज़ादी हमारा मकसद नहीं, आज़ादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकल गई, मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानी के हाथ पाकर लग जाए, क्या यही आज़ादी है? कैसे आमदनों की जिंदगी पर कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसानों के हालत बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं, आज़ादी तो सिर्फ पहला कदम है। मकसद तो है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहाँ पे हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहाँ मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। हमारा मकसद है आज़ादी और हम इसे पाकर रहेंगे। इंसान को कैद किया जा सकता है, विचारों को नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं। आज़ादी का रास्ता केवल आज़ाद विचारों से ही हो सकता है। हम एक ऐसे जंग लड़ रहे हैं जिसमें जीत हमारी होगी। आप सब हमारे साथ बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आशा है कि आप सभी को मेरी पेशकश अच्छी लगी होगी, पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि भगत सिंह की तरह अभिनय करने से कोई ऐसे ही भगत सिंह नहीं बन जाता। हर किसी को यह कीर्तन बेहद पसंद है, पर उनकी सिखाई हुई आदर्श पर चलना इतना आसान नहीं। क्या कोई उनकी आदर्शों से अनुप्राणित होकर इस कदर देश की सेवा कर सकता है? यही तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि हम असल जिंदगी में कब भगत सिंह बनेंगे या फिर किरदार बनकर ही रहेंगे।